यानी चौथा पांचवा या छठे महीने में आपका बच्चा खराब हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो कमजोर है, और जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ता है तो बच्चा नीचे निकल जाता है, यानी बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने के कारण खुल जाता है और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या डिलीवर आउट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि आखिर मेरे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं और आखिर उनसे कैसे बचा जाए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको एक रामबाण अचूक इलाज बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके बच्चे आगे चलकर कभी खराब नहीं होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर बच्चे खराब क्यों हो जाते हैं, यानी कि आपका बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है। तो यदि हम कारणों की बात करते हैं कि कारण क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपके बच्चे कौन से ट्राइमेस्टर में, कौन से महीने में खराब हो रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके शुरुआती में ही बच्चे खराब हो जाते हैं, यानी कि पहले दूसरे महीने में ही बच्चा खराब हो जाता है, तो जनरली उसका एक ही कारण होता है कि जो बच्चा बना है वो जेनेटिकली सही नहीं है, यानी कि उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जब बच्चा खराब तरीके से बनता है तो आगे चलकर ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका तीसरा, चौथा, पांचवें महीने में बच्चा खराब हो रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर ऐसी कोई कमी हो या उसको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ हम लोग टेस्ट कराते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि बच्चा खराब होने का कारण क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जिसको कि टॉर्च टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सीएमवी और कई सारे वायरसेस का इन्फेक्शन टेस्ट किया जाता है, यदि इनमें इन्फेक्शन पाया जाता है तो उनकी दवाई दी जाती है जिससे कि आपके बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। कई बार क्लॉटिंग, यानी कि जो खून जमने का प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा हो जाने के कारण माँ से जो बच्चे का न्यूट्रिशन ट्रांसफर होना होता है वो नहीं होता है, तो उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि ये चेक किया जाता है कि माँ के खून के अंदर किसी प्रकार की खून जमने की कोई समस्या तो नहीं है। ये दो तीन चीज होती है जिससे कि आइडिया लग पाता है। और जो सबसे कॉमन कारण है वो है थायराइड टेस्ट, यानी कि जो TSH का वैल्यू है, यदि आपका 2.5 के ऊपर है तो बच्चा खराब होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चौथा कारण आता है कि यूट्रस की कोई एनोमली, यानी कि बच्चेदानी के अंदर पर्दे का होना या बच्चेदानी का छोटा होना। जनरली बच्चेदानी के अंदर पर्दा होने के कारण शुरुआत में ही बच्चा खराब हो जाता है, क्योंकि यदि इम्प्लांटेशन, यानी बच्चा जो रुकता है या बच्चा का जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो सेप्टम के ऊपर यदि हो गया है तो फिर बच्चा सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण होता है बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स का होना, क्योंकि यदि बच्चेदानी के अंदर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो सारा न्यूट्रिशन फाइब्रॉइड्स ले लेते हैं, यानी जो ट्यूमर है बच्चेदानी के गांठें हैं वो ही रख लेती हैं, बच्चे को कुछ नहीं मिलता और बच्चा न्यूट्रिशन की कमी के कारण खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आपको अपना एक नॉर्मल चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की जाँच होती है, आपका ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है, एक थायराइड की एक सोनोग्राफी होती है। ये तो बहुत बेसिक चीजें जो हमें करा लेनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपका थायराइड का लेवल यदि 2.5 के ऊपर है। जनरल जो कंसेप्ट है कि वो थायराइड को TSH के वैल्यू को 5 को नॉर्मल मानते हैं, बट अगर 2.5 के नीचे है तो 2.5 के ऊपर है तो फिर आपको मेडिसिन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो कट ऑफ लिया जाता है वो 2.5 होता है। दूसरा, यदि बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उसे तुरंत दूरबीन से निकलवा देना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तीसरा, यदि कोई सिस्ट है या कोई पॉलिप है या कोई पर्दा है तो उसको भी हटवा देना चाहिए, जिससे कि आपका यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल रहे और कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे, यानी चौथा, पांचवा या छठे महीने में आपका बच्चा खराब हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो कमजोर है, और जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ता है तो बच्चा नीचे निकल जाता है, यानी बच्चेदानी का मुंह कमजोर होने के कारण खुल जाता है और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या डिलीवर आउट हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चेदानी के मुंह पर एक टेप लगाई जाती है, जिसको कि सर्कलाज प्रोसीजर कहा जाता है। ये दूरबीन से किया जाता है, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, क्योंकि यदि ये टेप लग गई तो बच्चेदानी का मुंह अपने आप कभी नहीं खुल सकता, फिर ये परमानेंट हो जाता है। उसके लिए जब भी हमें डिलीवरी करानी होगी या तो हम सिजेरियन से करेंगे या फिर उस टेप को काटेंगे, तभी बच्चा डिलीवर आउट हो सकता है। तो यदि बच्चेदानी के मुंह की कमजोरी की वजह से आपका बच्चा खराब हो रहा था तो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेप 100% सक्सेसफुल है, इसलिए बिल्कुल
भी कंफ्यूजन मत पालिए और यदि ऐसी कोई बीमारी है तो उसका तुरंत इलाज करा लीजिए। आगे के महीनों में अगर 7वें, 8वें, 9वें महीने में बच्चा खराब हो रहा है तो हो सकता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, कई बार आपका खुजली का समस्या हो सकती है जो कि आपके शरीर पर चारों तरफ बहुत सारी खुजली हो सकती है क्योंकि वो लीवर का एक एंजाइम होता है, केमिकल होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारा लीवर का टेस्ट कराने से, शुगर का टेस्ट कराने से और ब्लड टेस्ट कराने से ये पता चल जाता है। और जनरली यदि आप बच्चे का फॉलोअप स्कैन कराते रहते हैं यानी सोनोग्राफी कराते रहते हैं तो बच्चे की ग्रोथ भी पता चलती है, पानी के बारे में पता चल जाता है, उसकी पोजीशन पता चल जाती है और उसका खून का सप्लाई कितना मिल रहा है वो भी पता चल जाता है। और आप अपना बीपी और वेट बराबर चेक करते रहिए क्योंकि यदि बीपी बढ़ता है तो भी बच्चे को ब्लड की सप्लाई कम मिलती है और बच्चा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो डेफिनेटली आपका बच्चा कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि यदि डॉक्टर की सलाह आप प्रॉपर लेती है, प्रॉपर चेकअप कराती है, प्रॉपर जांच करवा लेती है तो डेफिनेटली आपके बच्चे को बचाया जा सकता है। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपके किसी सवाल का जवाब इस वीडियो में रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं और हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।